अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम IGBT को टेस्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसके जो टर्मिनल्स हैं वो MOSFET से थोड़े डिफरेंट होते हैं। जिस तरह MOSFET में गेट, ड्रेन और सोर्स होता है, इसमें गेट, कलेक्टर और एमिटर होता है। IGBT का फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। मतलब ये कैसा ट्रांजिस्टर है जिसमें गेट जो कि बेस की जगह पे होता है वो इंसुलेटेड होता है, मतलब कलेक्टर और एमिटर से बिल्कुल सेपरेट होता है। ये टाइप के जो IGBTs होते हैं इनमें बिल्कुल सीक्वेंस बिल्कुल यही होता है, गेट कलेक्टर एमिटर, गेट कलेक्टर एमिटर। कुछ IGBT में ये जो इंटरनल डायोड है ये होता है, कुछ में नहीं होता। तो ये जो IGBT है इसमें ये डायोड भी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट करने के लिए इसको बोर्ड से रिमूव करना जरूरी है। बोर्ड के अंदर ये टेस्ट नहीं होता। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में ले आएंगे और टेस्ट करने से पहले जो इसके टर्मिनल्स हैं इनको आपस में शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि गेट में थोड़ा चार्ज हो तो रीडिंग ठीक नहीं आती। तो इन तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके तो वो चार्ज को हम डिफ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डायोड को टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव प्रॉब एमिटर पे और नेगेटिव प्रॉब कलेक्टर पे। इस तरह तो ये डायोड को हम टेस्ट कर सकते हैं, रिवर्स कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। तो ये देखिए एमिटर और कलेक्टर, तो यहाँ पे देखिए ये डायोड की वैल्यू शो कर रहा है। जब हम रिवर्स चेक करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। देखिए ओपन कलेक्टर या एमिटर पे नेगेटिव प्रॉब रखेंगे और गेट पे पॉजिटिव प्रॉब देंगे तो ये गेट चार्ज हो जाएगा। और अब ये वैल्यू देखेंगे तो यहां पे देखिए कुछ ये वैल्यू शो करेगा, ये देखिए, क्योंकि अब ये जो पाथ है ये कंप्लीट हो चुका है, यहां पे कंडक्शन स्टार्ट है। ये थोड़ी देर के बाद में डिफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहां पे चार्ज बहुत कम है जो कि थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक बार फिर देखिए ये नॉर्मल है, 485 वैल्यू इसने दी है। और जब गेट को चार्ज करेंगे तो ये देखिए वैल्यू कम हो जाएगी, 312 इस पे आ गया, क्योंकि अब यहां से भी वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं और यहां से भी फ्लो हो रहे हैं, डबल पाथ इसको मिल गया है। एक बार फिर डिस्चार्ज करेंगे, रिवर्स देखेंगे कोई वैल्यू शो नहीं करेगा डायोड। तो सिंपली जो ये डायोड है, अगर डायोड है तो कुछ में डायोड नहीं होता तो उनमें ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, रिवर्स कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, और गेट जो है ये दोनों में से किसी के साथ भी कोई वैल्यू शो नहीं करता। ये देखिए ओपन रहेगा, रिवर्स भी देखेंगे तब भी ओपन ही रहेगा, लेकिन जब इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यहां पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ये देखिए यहां पे भी, मतलब इस तरह भी शो कर रहा है और यहां भी वैल्यू शो करेगा चार्ज करने के बाद। ये चार्ज किया, अब देखिए यहां भी वैल्यू शो कर रहा है, रिवर्स भी कर रहा है और यहां तो करेगा क्योंकि डायोड है। तो इस तरह हम इसको खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।